कि मुगल, ठीक है क्या देखो, मुगल व मुगल और मुस्लिम, ठीक है इनमें अंतर है ना, इनमें अंतर क्या क्या है ना, इनमें अंतर क्या है, सिमिलर क्या है, यही पूछ रहे हो ना। देखो क्या हुआ कि ये जितने भी लोग थे ना, थे तो एक ही कम्युनिटी के, मतलब इनका धर्म एक ही है, उसे बोलते हैं इस्लाम। समझ आ रहा है? हाँ। क्या बोलते हैं उसे? इस्लाम। इस्लाम को फॉलो करते हैं, पैगंबर मोहम्मद के मतलब वो प्रवर्तक है, आगे वाले, ठीक है समझ आ रहा है। तो ये सारे इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन इनके देश कई सारे हैं, जैसे ईरान, इराक, वो इसराइल नहीं, इसराइल के बगल वाला कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान गिन लो, है ना, मतलब कुछ कुछ लोग है, ठीक है समझ आ रहा है। तो इनमें अंतर क्या है, क्या है कि हम जैसे जानकारी लेते हैं ना, 712 थी, 712 AD एना डोमिनी मतलब ईसा मसीह का 0 में जन्म हुआ है, उसके बाद 712वें साल पहली बार मुसलमान आता है कोई भारत में और हमला करता है भारत में, और वो सेनापति होता है, यही फारस के अगल बगल में कोई राज्य होता है उसका सेनापति होता है, क्योंकि यहाँ पे इनका सामान लूट लिया जाता है, तो ये सिंध पे आक्रमण करता है, पहला बंदा होता है। इसके बाद लोग भारत में आने लग जाते हैं, क्योंकि भारत का रास्ता पता लग जाता है, इसके बाद बंदों का मन हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है गजनी, ठीक है, उसके बाद आता है गौरी, गजनी गौरी गजनी देश से थे, ठीक है। ये मोहम्मद कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आता है पहली बार, ठीक है, 712 में हमला करता है और हमारे यहाँ से क्या करता है, राजा एक दाहिर नाम का होता है उसको मारता है और उसकी बेटियों को किडनैप करता है और यहाँ से सामान लूटता है और लेके चले जाता है और उसकी बेटियाँ उसको हाँ वहाँ पे मरवा देती है। कहानी नहीं सुनी तुमने? है सुनिए ना? नहीं सुनिए? सुनो क्या होता है कि यहाँ पे ना, चलो बाद में बताऊंगा यार, कहानी बाद में बताऊंगा, जिन ज्यादा लंबा हो जाएगा, कभी और पूछ रहे हैं कहानी, ठीक है। तो ये आते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो गजनी होता है सोमनाथ मंदिर लूटता है, कई बार आक्रमण करता है, और यही वाला जो यहाँ पे होता है ना हिंदुकुश पास, हिमालय में हिंदुकुश पास है, खैबर दर्रा बोलते हैं उसे, मतलब पहाड़ियों के बीच में ऐसी ऐसी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के बीच में एक रास्ता है, यहाँ से ये लोग आते थे, ठीक है, उसको बोलते हैं खैबर दर्रा, खैबर दर्रा हिंदुकुश पास में है वो, हिंदुकुश मतलब पर्वत में, हिंदुकुश पर्वत है हिमालय, उसके अंदर खैबर दर्रा बोलते हैं, वहां से आते थे ये लोग, वही रास्ता था इनके पास, तो वहां से आ जाते थे, समझ आया। वहां से आए, गजनी आया, जितनी बार आया लूट के ले गया, ये तो चला गया अपने यहाँ गजनी वापस, लेकिन ये बंदा आया, इसने क्या करा, भारत में और लड़ाई झगड़ा करने लग गया, और इसने क्या करा, लड़ाई करी, पहली बार 1151 में पृथ्वीराज चौहान से, 1192 में पृथ्वीराज चौहान से, 1151 में ही हारे, 1192 में इनने जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और हरा दिया, ठीक है, बेईमानी करके जैसे भी। फिर 1194 में क्या हुआ, जो जयचंद गौरी की मदद करता है ना, उससे ही लड़ाई कर लेता है ये गौरी, ठीक है। अब गौरी क्या करता है, जयचंद को भी हरा के असली में कब्जा कर लेता है, मेन वाले उत्तरी भारत पे, इतने वाले उत्तरी भारत पे, ठीक है, राजपूताना स्टेट पे और बीच में मध्य प्रदेश वाले स्टेट के पास में, और वह मगध के ऊपर वाले स्टेट के पास में, ठीक है, उस समय मगध नहीं बचा था, लेकिन उससे ऊपर वाले स्टेट पे, ठीक है, कब्जा कर लेता है। तो क्या होता है फिर, इसके बाद क्या होता है, ये भी वापस जाता है, क्योंकि इसे भी यहाँ नहीं रहना था, लेकिन इसने यहाँ पे पावर बना ली थी, तो ये गुलाम छोड़ता है अपना, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुना है जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है, आधा उसने करवाया था, आधा किसी और ने, तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ता है, और एक कुतुबुद्दीन ऐबक ही यहाँ पे क्या, कौन से वंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश, जिसकी स्थापना होती है 1206, ठीक है, लगभग 1206 में हुई थी, ठीक है, याद रखना 1206। अब देखो टाइम लाइन बनेगी बहुत बढ़िया, ठीक है, देखते रहना, 712 है ना, फिर मेन चीज कहाँ पे आ रही है, 1206, समझ आ रहा है, 1206। अब क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के जब गया उसका चेला इल्तुतमिश, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी खुद को ना किंग नहीं बोला, क्योंकि उसको क्या पता था, मैं गुलाम हूँ अपने अपने मालिक का, और वो बहुत ज़्यादा वो भी था स्वामी भक्त, स्वामी भक्त का मतलब हाँ मैं गुलाम ही हूँ कोई बात नहीं, इसलिए उसने खुद को गुलाम बोला। इसके बाद जो बंदा है उसने खुद को गुलाम नहीं बोला, लेकिन उसने तब भी गुलाम रहा। उसके बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश की लड़की कौन थी, रजिया सुल्तान। फिर उसके बाद बीच में एक दो बंदे आए, फिर उसके बाद बलबन आता है, फिर एक दो लोग आते हैं, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, फिर इनका गुलाम वंश खत्म हो जाता है, ठीक है। गुलाम वंश खत्म होने के बाद कौन सा वंश आता है, खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश चलता है, जिसका इस संस्थापक होता है वो क्या बोलते हैं,
जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी को उसका ही भतीजा मारता है अलाउद्दीन खिलजी, जो पद्मावती के पीछे पड़ा होता है, फिर वो राज्य करता है, फिर उसका चलता है, मतलब इनका होता है 1296 से लेकर 1396 से 1316 लगभग 20 साल हो रहा है, नहीं 20 साल है ना, हाँ 20 साल लगभग इनका टाइम ये चलता है, ठीक है। इसके बाद कौन आ जाता है, टाइम पे मत जाओ, बस इतना याद रखो कौन सा वंश था, टाइम पे मत जाओ, क्योंकि इसमें ना डेट बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है, अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। बस ये तुम्हें सारे में एक जैसी दिखेगी, बाकी कहीं कहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक कब आया, कौन कब आया, वो अलग अलग दिख जाएंगी, ठीक है। इसके बाद कौन आ जाता है खिलजी के बाद, इसी खिलजी वंश का जो आखिरी बंदा था ना, जिसका नाम क्या था, इसका लड़का अलाउद्दीन खिलजी, जो क्रूर बंदा था ना, इसका लड़का होता है, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा हूँ, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी है ना जब राज करता है, वो जब मर जाता है तो उसका लड़का गद्दी पे बैठता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड टाइप का था, तुम्हें पता है, मलिक गफूर, जो बीबी से ज्यादा प्यारा था उसको, है ना, मर्द पता ही नहीं, पता क्या देखा तुमने जीवन में, अगर मलिक कफूर को नहीं जाना, मालिक तुम मेरे को नहीं जानता, ऐसे बोलता था, बहुत प्यार करते हैं हम आपको, आहा मलिक कफूर मेरी तरफ, ये भगवान, हाँ ठीक है, हाँ वो, लेकिन मैं वैसे बोल के दिखा रहा हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ भाई, ठीक है, तुम तो मलिक कपूर बना रहे हो मेरे को, लेकिन मेरे को भी अपना सुल्तान बहुत प्यारा है, ठीक है, हाँ सुनो, नहीं मलिक कपूर कौन था, मलिक कपूर को बोलते हैं हजार दिनारी, हजार दिनारी क्यों बोलते हैं पता है, कि हजार दिनारी दे के खरीदा गया था मलिक कपूर, ठीक है, और मलिक कपूर क्या था, एक खिंजड़ा था, ठीक है, जो अपने मालिक से बहुत प्यार करता था, इसीलिए बोला जाता है, इतिहासकार बोलते हैं कि उसकी बीवी से ज्यादा वो रहता था सुबह शाम उसके साथ, हाँ नहलाता, सब कुछ नहलाता धुलाता, हाँ इसीलिए जिन बंदों ने उस समय लिखी है ना, एक बहुत बड़ा कवि है, उसका नाम सुना होगा तुमने, खुसरो, सुना है, सुना है, कई, उसने 6 से 7 से ज्यादा 6 राजाओं का शासन काल देखा है शायद उसने, खुसरो ने, वो खिलजी वंश में भी रहा है, तुगलक वंश में भी रहा है, सोचो बहुत ज्यादा टाइम रहा है, खुसरो ही था शायद, अमीर खुसरो बोलते हैं उसको शायद, ठीक है, वो बंदा बहुत टाइम रहा, उसने भी इसके ऊपर लिखा है कि सुल्तान की तो मोहब्बत थी अपने मलिक कपूर के साथ बहुत खतरनाक, हमेशा सुल्तान के साथ ही घूमता रहता था, कपड़े पहनाना है उसमें सुल्तान के साथ रहता था, समझ आ रहा है, गाना सुनना मिलते दिल, उसमें देखो नहलाता है उसे सुनो, तो खिलजी के बाद क्या हुआ, जो ये मलिक कपूर था ना, इसी ने क्या करा पता है, जो जलालुद्दीन खिलजी का लड़का था ना, उसकी आंखें निकलवा दी गद्दी पे बैठा कर, इतना ज्यादा क्रोधित था उससे, पता नहीं क्यों, मलिक, ये जो खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी का मतलब सोचो, अपने ही बॉयफ्रेंड के लड़के का लड़का, जब उसका बैठता है ना छोटा सा लड़का, उसको पकड़वाता है और उसकी आंखें निकलवा देता है सलाखों से, मतलब गद्दी पे बैठाता है, राजा की गद्दी पे गलम गरम सरिये डालता है उसकी आंखों में और उसकी आंखें निकाल देता है और उसको फिर वहीं मार देता है जान से, सोचो कितना गंदा काम करा। फिर उसके बाद ये क्या करता है, खुद को राजा साबित कर देता है मलिक कपूर, ठीक है। इसी के बाद पद्मावती के जाने में, पद्मावती तो गई, ये खिलजी ने हरा दिया पद्मावती को, कौन खिलजी, कुछ नहीं करता, वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे जीत हासिल कर लेता है, फिर वहां छोड़ के आ जाता है वापिस अपने जगह पे, क्या करेगा, राग बटोरेगा, मुंह पे लगाएगा राग, चलो गोरा हो लेता हूँ, बर्तन ही साफ कर लूंगा इससे, है उसको हार फील हुई, बेइज्जती फील हुई कि मैंने क्या जीता तो क्या पाया, इंसान जल गया, बेइज्जती करवाया। अब मलिक कपूर ने अलाउद्दीन खिलजी के लड़के की आंखें निकलवाई थी, और इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे को ये सारे नाम आगे पीछे कंफ्यूजन हो रहा है ना, नामों में कंफ्यूजन, याद नहीं हो रहा है ना, हो गए याद, लेकिन जिसको याद नहीं हो रहा तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 10 बार नहीं पढ़ोगे ना इन चीजों को, तब तक नाम याद नहीं होंगे, मैंने भी कई बार पढ़ा है, कई बार इन चीजों को अपनी आंखों से निकाला, तब मेरे को नाम ऐसे हो गए हैं कि रात में सोते रहो तब भी पता रह गया अलाउद्दीन खिलजी कब था, कौन कब था, ठीक है। इसके बाद क्या है, तुगलक आ जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, उससे पहले गयासुद्दीन तुगलक, ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, यही था शायद, इसने तुगलक वंश की स्थापना करी थी, और ये जो ये है ना, वो क्या नाम है, मलिक कपूर, ये जाता है, और इसके बाद एक बंदा आता है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उसका नाम कुछ और होता है, वो ना इस वंश को बदल के नया वंश चालू करता है, अपना नाम रख लेता है तुगलक, और फिर वंश चालू हो जाता है तुगलक वंश, फिर उसी में वो बंदा होता है, फिर गयासुद्दीन तुगलक आ गया, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश, डेट मेरे को याद नहीं है ना, तो गलत बताऊंगा नहीं,
डेट याद नहीं है तो गलत क्यों बताऊं भाई, ठीक है। डेट में मैं बोल रहा हूँ ना, कंफ्यूजन हो जाता है यार, डेट में बहुत ज़्यादा लफड़े हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ गया तुगलक वंश, तुम्हें मेन पता होना चाहिए वंश कौन से आगे पीछे नहीं करना, बस बस इतना पता होना चाहिए। तुम्हें मुगल और तब में अंतर बता रहा हूँ ना मैं, मुगल और सब मुस्लिम में, देखो ये सारे मुस्लिम है ना, मुस्लिम का मतलब ये सारे इस्लाम धर्म के फॉलोवर है, ये समझ लो, है ना, क्योंकि ये भी इस्लाम धर्म को मानता था, तुगलक वाले भी इस्लाम धर्म को मानते थे। मोहम्मद बिन तुगलक क्या हिंदू का नाम होगा, ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक और जौना खां, जौनपुर सुना है, जौनपुर पता है किसने बसाया, कभी पढ़ के आना जौनपुर किसने बसाया। एक भाई ने दूसरे भाई के लिए जौनपुर शहर बना दिया था और ये तुगलक वंश में थे, तुम्हें सुनने के लिए मिलेगा, खुद पढ़ना तब पता लगेगा। भाई जो भाई मतलब बड़ा था ना, वो छोटे भाई ने, जब बड़ा भाई नहीं रहा छोटे भाई ने उसके लिए बना दिया, ठीक है, भाई था या पापा था ऐसे ही था, उसके लिए बना दिया। और एक जगह का नाम, उसका नाम होता है शुरुआत में जौना खां, जो ग्यासुद्दीन तुगलक होता है ना उसका नाम होता है जौना खां, ठीक है। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो जौना खां के मरने के बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक उसके लिए एक शहर बना देता है जिसका नाम जौना खां से क्या रखते हैं, जौनपुर, समझा। आज के टाइम में जौनपुर जानते हो, बहुत फेमस है यूपी में, जौनपुर नहीं सुना, मिर्जापुर सुना है, मिर्जापुर के जस्ट बगल में जौनपुर है, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, नेपाल के साथ बॉर्डर रखते हैं, गोरखपुर, यूपी में, ये नहीं सुना तो क्या सुना। सुनो, तुगलक के जाने के बाद कौन आता है, सैयद, सैयद वंश आता है, इसी में आता है ग्यासुद्दीन तुगलक, अलग अलग तुगलक आते हैं, ठीक है, तीन होते हैं इसमें शायद, तीन राजा होते हैं, ठीक है, तीन होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद सैयद के बाद आते हैं लोदी, ठीक है, लोदी आते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, कौन आते हैं, लोदी, लोदी आते हैं। अब लोदी का पहला राजा कौन था, बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी ये लोदी वंश की स्थापना करता है, ये सैयद वंश वाले राजा को मार के। फिर इसके बाद आता है सिकंदर लोदी, जिसने वो क्या बोलते हैं 1504 में, हाँ 1504 में आगरा की, 1502 या 1504 में आगरा की स्थापना करता है, ठीक है, कौन, सिकंदर लोदी। फिर सिकंदर लोदी के बाद होता है वो इब्राहिम लोदी, यही इब्राहिम लोदी होता है जिसको 1526 की फर्स्ट पानीपत की लड़ाई में, पानीपत, ठीक है, पहली पानीपत की लड़ाई में, इधर देखो, पहली पानीपत की लड़ाई में 1526 में कौन मारता है, इब्राहिम लोदी, जो इसका राजा होता है, पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, आई से इब्राहिम लोदी, ठीक है। इसी इब्राहिम लोदी से लड़ाई होती है वर्सेस बाबर, बाबर आता है फरगना से, यहाँ से अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है, वहाँ से आता है बाबर, और क्या आता है, अफगानिस्तान के ऊपर से आता है, अफगानिस्तान के ऊपर मतलब वही देश के बीच में से, ठीक है, जगह से। बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है 1526 में, इससे पहले भी बाबर आ चुका होता है, लेकिन 1526 में आता है, इब्राहिम लोदी को खूब पीटता है, खूब पीटता है, सही बुक्की भर देता है इसकी, चमनप्रास किला के इसे भगा देता है, और यहाँ पे क्या करता है, स्थापना करता है अपने साम्राज्य की। और यहाँ से 1526 से 1707 मेन मुगल वंश, जब तक औरंगजेब रहता है, मतलब तगड़े वाला मुगल वंश, जब टसमस नहीं होती कोई भी चीज़ें। इसके बाद क्या होता है, 1707 से लेकर 1857 तक, इसके बीच में अंग्रेज उंगली कर देते हैं अंग्रेज आके, और हल्के फुल्के राजा रहते हैं तो अंग्रेज उन पर कब्जा कर लेते हैं, समझाए, तो ये अंग्रेज आ जाते हैं, तो असली मुगल वंश ही होता है। अब देखो ये क्या है, यहाँ देखना, 1206 से लेकर कहाँ तक, 1526 तक, देख रहे हो, क्या देख रहे हो तुम, कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, एक चीज देख रहे हो, ये बंदे हैं, ये एक दूसरे को मार के, अपने ही घर के बंदे को भी मार के। अब जैसे यहाँ पे क्या था, खिलजी में तो वही बंदे थे ना, उन्होंने खुद के लोगों को मार के तुगलक वंश बना लिया, तुगलक वालों से सैयद बना लिया, सैयद से लोदी। तुम देख रहे हो इनमें कितना ज्यादा आपस में एक नहीं रह रहे, और थोड़ा अलग अलग जगह से भी आए हैं बंदे, ठीक है। तो इनको थे तो इस्लाम को मानने वाले, लेकिन एक नहीं माना इनको। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो तुम मुगलों में, इसको मुगल पता है क्यों बोला गया, कि 1526 से, मतलब 1526 से जो बंदा आया है बाबर, बाबर का लड़का आगे हुआ है, ठीक है, हुमायूं का लड़का आगे हुआ है, क्या बाबर का लड़का हुमायूं तो था, हुमायूं, और हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का साजा नहीं है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, हाँ अकबर, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर, जहांगीर का लड़का साजा, सांगजा का लड़का औरंगजेब, और औरंगजेब से
बिल्कुल लास्ट से औरंगजेब 1707, ठीक है, औरंगजेब के बाद बिल्कुल लास्ट में बहादुर शाह जफर द्वितीय सेकंड, इसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर पहला एक आया था, औरंगजेब के बाद आ गया था वो, और बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 की क्रांति के समय राजा था। समझ आया? और देखो इसमें तुम एक चीज गौर कर सकते हो, इसमें ये बंदे ना जो भी आ रहा है अपने नाम पे वंश बना दे रहे हैं। इसका ना ये इनने गुलाम अपने गुलाम पे बना दिया कि हम गुलाम है तो गुलाम वंश। इसने इसका नाम था इसके चाचा का खिलजी, तो इसने जलालुद्दीन खिलजी मोहम्मद खिलजी अपना वंश का नाम, और इनका नाम में तुगलक लगता था तो इन्होंने तुगलक वंश चला दिया। इसके नाम में सैयद लगता था इन्हें सैयद वंश चला लिया। बहलोल लोधी आया उसके पीछे लोधी लगा था इन्हें लोधी चला दिया। लेकिन यहां देख सकते हो तुम इन लोगों ने क्या करा है, इस बंदे के पापा ने लगाया मुगल, तो इसने अपना चिंटू मिंटू नहीं करा, इसने भी मुगल रखा, इसने भी मुगल, इसने भी मुगल, इसने भी मुगल, इसलिए पूरा मुगल इन, क्योंकि ये ज्यादा ही कट्टर थे इस्लाम के प्रति और ये मतलब एक साथ रहे थे सारे, समझ आया। लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो अलग अलग वंश के थे इसलिए इनको मुगल नहीं बोला गया, जबकि ये भी मुस्लिम थे अधिकतर। इसमें अधिकतर मुस्लिम ही मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहे हैं सारे, ये सारे 90% ही मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहे हैं सोचो, और ये भी कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है, ये सब एक साथ चल रहे थे, इन्होंने कभी अपने सरनेम नहीं बदला, इन्होंने मुगल रहन दिया टैग, लेकिन इन्होंने हर बार बदला। जो भी आ रहा है नया, मैं आ गया मैंने, हाँ ये भी हो सकता, ये भी कारण हो सकता था। समझ आ रहा है? ठीक, आगे समझ में। तो इसलिए मुगल और मतलब ये आगे वाले ये होता है मुगल वंश 1526 से 1707। समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ गया। और इन्हीं के समय में कौन आ गया था, अंग्रेज भी आ गए थे और फ्रांस का बर्नियर भी आ गया था, जिनने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी है। ठीक है, मुगल नेट पे सर्च मारते हैं ना तो ये सात सौ बारह का दिखाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम, हाँ, और ये भी दिखाता है बाबर है। कब 712 में? नहीं, हाँ, बाबर आया था बाद में, ये 1526। हाँ हाँ, तो ये नाम फेमस है तो ना फेमस नाम ही तो दिखाएगा ना। और ये मुगल, ये मुस्लिम है और ये मुगल, हाँ मुगल, ये भी मुस्लिम है, इन्होंने अपने को मुगल बना दिया, मुसलमान से ही तो मुगल निकला है। ठीक है, समझ आ रहा है, क्योंकि इनका सरनेम चला है ना, और इनका सरनेम हमने माना भी है कि हाँ वो मुगल थे, उन सबको हमने एक ही आइडेंटिटी दी है ना। अब तुम बाबर को भी वही बोलोगे मुगल, हुमायूं को भी मुगल ही बोल रहे हो तुम, तुमसे पूछूं तो हुमायूं को कुछ और नाम से थोड़ी बोलोगे, तुमसे एक बार में पूछूं तुम बोलोगे मुगल था वो, है ना। तो हमने ये आइडेंटिटी दी है ना, क्योंकि सब एक जैसे थे, इनको हमें अलग अलग बताना पड़ता है क्योंकि सब अलग थे। समझ आ रहा है? तो इसलिए इनको मुगल बोला गया और इनको अलग अलग वंश के नाम से बोला गया, क्योंकि इन्होंने खुद के नाम भी अलग अलग रखे। समझ आया है ना? और किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो पूछ लो। नहीं, चलो फिर बहुत है, वीडियो बंद कर दी।